हेलो व्हाट्स अप गाइस, के सब सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले सीरीज। गाइस आज हम लोग वापस से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग वापस आ चुके हैं उज्जवल भाई के अंदर। भैया उज्जवल भाई के अंदर नहीं आए, हम लोग उज्जवल भाई के वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं। सो लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोग ने जो है वो एक रेलवे स्टेशन बनाया था, और हम लोग लेकर आए थे यहाँ पे जो है वो विलेजर्स को। तो ठीक है, वैसे ज़्यादा दूर नहीं था, यहीं पास में ही से ही हम लोग लेकर आए हैं। ओके गाइस, तो आज की ये वाली वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, आज की ये वाली वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो पहले तो जो है वो जाएंगे माइनक्राफ्ट के अंदर। वहाँ से ना हम लोगों को जितना भी लूट मिलता है, मतलब ज़ोंबी से, मतलब ज़ोंबी स्पॉनर जो है, वहाँ से जितनी भी लूट मिलती है वो सारी के सारी हम लोग जो है वो लेकर आएंगे रेलवे स्टेशन की मदद से, मतलब ट्रेन की मदद से। और ये चीज़ जो है वो उज्जवल भाई ने की है, इसलिए हम भी कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल करने वाले हैं उज्जवल भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो लेट्स गो, यहाँ पे ना पहले तो पूरी की पूरी इन्वेंट्री खाली करो। और हाँ, दूसरी चीज़ मैं ये करने वाला हूँ कि दूसरी चीज़ हम लोग जो है वो जाने वाला है खजाना ढूंढने के लिए। उसके अलावा हम लोग जाएंगे स्लाइम, मतलब सॉरी आइस बायोम में, लास्ट में। तो ठीक है, वहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट वीडियो में बने रहना। चलिए फिर मिलते हैं, मतलब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो अभी जो है वो पूरी की पूरी इन्वेंट्री हम लोग जो है वो खाली कर लेते हैं। तो फटाफट से जो है वो जितना भी काम का सामान नहीं है वो सारा का सारा निकाल देते हैं, आ जाओ। ओके गाइस, तो अभी के लिए हम लोग जो है वो बनवा के लेकर आ चुके हैं ये वाला मशीन, ये है स्टोन कटर। सो इसकी मदद से हम लोग जो है वो स्टोन को बहुत ही जल्दी जो है वो काट सकते हैं। तो पहले तो हम लोग जो है वो सो लेते हैं, और ये चीज़ उज्जवल भाई ने बताई है, इसलिए जो है मैं भी बता रहा हूँ। सो यहाँ पे उज्जवल भाई ने और एक चीज़ बताई थी, वो थी भाई फर्नेस। और वो कौन सा फर्नेस था, वो उसका नाम मैं भूल चुका हूँ। और वो वाला फर्नेस जो है वो अभी मैं अगर यहाँ पे जो है वो लूट करने के लिए जाऊँगा, तब मुझे जो है रास्ते में अगर कहीं पे भी विलेज मिले तो वहाँ पे आई थिंक सो मिल सकता है, तो मैं हम लोग जो है वो वहाँ से जो है वो उठा कर लेकर आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे हमारे ये वाले विलेज में भी हो सकता है, मैंने देखा नहीं अब तक। तो ठीक है, अभी मैं जो है वो यहाँ से उठा लिया एक माइन कार्ड विद चेस्ट। तो लेट्स गो, यहाँ से चलते हैं बाहर, और अभी जाएंगे हम लोग फटाफट से माइनक्राफ्ट में। और हम लोग जाएंगे अपने एचपी फार्म पे, माइनक्राफ्ट में ही एचपी फार्म है अपना। तो लेट्स गो, आयरन गोलम भैया यहाँ पे छुपे हुए हो, और यहाँ पे ज़ोंबीज जो है वो सबको मारे जा रहे हैं। और ये जिमकांडी क्या कर रहा है, बाहर निकलोगे? ठीक है, आ जाओ, यहाँ से बाहर निकलते हैं फटाक से, और गेट बंद कर देते हैं। अगर ज़ोंबीज अंदर चले गए तो सारे जो है वो अपने विलेजर्स को मार देंगे। आ जाओ, ट्रेन जो है वो सेट करते हैं। ओके, ट्रेन एक ही लीवर में सेट हो गई, आ जाओ चलते हैं फटाक से माइनक्राफ्ट के अंदर। और यहाँ पे माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग को कुछ है वो क्या करना होगा, हम लोगों को क्या करना है वो मैंने बता दिया है। 2 मिनट के अंदर चलते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर, और यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब ज़्यादा ही है लेकिन अभी ज़्यादा है, जब हम लोग ऊपर आते हैं तब बहुत ज़्यादा कम है। तो इसकी स्पीड पहले तो बढ़ानी पड़ेगी, वरना जो है वो माइनक्राफ्ट, ये माइनकार्ट जो है वो ऊपर आ ही नहीं पाएगी। तो ठीक है, अबे भैया बार बार यहाँ पे क्यों बैठे जा रहा है। ओके ठीक है, इसको उठा लेते हैं, और यहाँ पे भैया कुछ ज़्यादा ही चिकन हो गया है। ओके ठीक है, इसको जो है वो पहले उड़ाना पड़ेगा, चिकन को उड़ाना पड़ेगा, सारे के सारे चिकन को। ओके, तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए, बिना बकवास किए यहाँ पे काम पे लग जाते हैं फटाफट से। यहाँ से जो है वो हम लोग जो है वो ट्रेन की पटरियों को बिछाते हुए जाएंगे, ट्रेन की पटरियों को बिछाते हुए जाएंगे। और यहाँ पे यहाँ से हम लोग जो है वो ये वाला खोद सकते हैं ना। ठीक है, ये वाला हम लोग जो है वो माइन कर लेते हैं, और माइन करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और ये छोटे छोटे चिकन्स भैया बीच में आने वाले हैं, अगर बीच में ये देखो आ गए, कूद गए भैया, अभी तो मैंने जस्ट बोला और कूद भी गए। तो आ जाओ, यहाँ पे हम लोगों को ये वाली चेस्ट हटानी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया है, बट यहाँ पे चेस्ट हटाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हटाई गई है, तो हम लोग भी इसको हटा देने वाले हैं।
क्योंकि सेम टू सेम यार, रूल आर रूल, कॉपी टू कॉपी, हम लोगों को कॉपी करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है तो आ जाओ, ये वाली चेस्ट हटा देते हैं और यहाँ पे ज़ॉम्बी आ चुके हैं, पहले इसको मारते हैं और ये वाला रास्ता जो हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि अगर और भी ज़ॉम्बीज आए तो भैया सीन हो जाएगा। अगर बाय चांस अगर हम लोगों ने गलत ब्लॉक तोड़ दिया और ज़ॉम्बीज टपक गए तो हम लोगों को वहीं के वहीं टपका डालेंगे। तो ठीक है आ जाओ, अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो हुई, यहाँ से ना हम लोगों को पहले तो ना ये वाला जो हुआ स्टोन लगाना है। तो हट जाओ इसके चिंकांडी चिकन सारे, आ जाओ ये वाला जो हुआ लगा देते हैं फटाक से। और अभी हम लोग को जो हुआ यहाँ पे क्या करना है, हो यहाँ पे हम लोगों को जो है वो रेलवे ट्रैक को बिछाते हुए जाना है, और हम लोग जो है वो वहाँ तक जो है रेलवे ट्रैक बिछाने वाला है। फटाफट से बिछा देते हैं इसको। ओके प्लेस कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे भी प्लेस कर देते हैं और ज़्यादा दूर तो नहीं जा रहा ना। ओके ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है वो पावर ड्रिल को लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों को ट्रेन को पावर भी देनी पड़ती है, वरना धक्का लगाते हुए जाना पड़ेगा वहाँ तक। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग जो है वो ये हटा देते हैं और यहाँ पे प्लेस करेंगे अपन लोग ये रेडस्टोन टॉर्च, और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो लगाएंगे वापिस से नॉर्मल वाली रेल। ओके ठीक है, यहाँ पे ना हम लोग वापिस से जो है वो ये वाली जो है वो नहीं, यहाँ पे ये नहीं लगाना चाहिए, हम लोग जो है वो यहाँ पे लगाएंगे लीवर, क्योंकि लीवर की मदद से हम लोग जो है वो ट्रेन को रोक पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब पावर नहीं होगी तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी, तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे जो है लीवर लगाएंगे। जब भी हम लोगों को ट्रेन को आगे बढ़ाना होगा तो हम लोग जो है वो लीवर खींचेंगे और ट्रेन आगे बढ़ जाएंगी। बाकी यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोगों को ये हटाना है, पहले तो ये वाला होपर हटाना है, और इसके अलावा यहाँ पर ये वाला होपर भी हटा देना है। अभी क्या करना है, यहाँ पर क्राउच होके ये वाला होपर इसमें लगाना है और दूसरा वाला होपर इसमें रह गया क्या। ओके ठीक है, इसको उठाओ और इसको लगाते हैं यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाए, थोड़ा सा दूर चलते हैं, ये लगा दिया यहाँ पे। ओके इतना काम होने के बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे जो है प्लेस करनी पड़ेगी अपनी माइनकार्ट विद चेस्ट, और ये चिमकांडी पता नहीं क्यों आया है इधर। ठीक है जाओ, यहाँ पे माइनकार्ट विद चेस्ट को मैंने गलत जगह पर लगा दिया, दरअसल ना हम लोगों को यहाँ पर ये यहाँ पर ना, अब भाई चिमकांडी हो हट जाओ यार, इसको मार दूंगा अगर मेरे को गुस्सा आ गया तो। ठीक है आ जाओ, तो ये यहाँ पे ब्लो, अब भैया वो चिकन चिमकांडी ने धक्का लगा दिया और ये लोल हो गया यहाँ पे जो है, ये भाग गई और ज़्यादा दूर वैसे जाएगी नहीं, क्योंकि इतना पावर हम लोगों ने अभी तक दिया नहीं है, जितनी स्पीड से गई थी वापस इतनी स्पीड से आ गई है। और ये ना चिमकांडी ये चिकन की वजह से हुआ है, इसने जो है वो धक्का लगाया और ये ट्रेन निकल गई अपनी, और देखो यहाँ पे वैसे तो रुक जाती है ये, लेकिन हम लोग फिर भी इसको जो है वो चेंज कर देते हैं, ताकि अगर बाय चांस चिमकांडी चिकन ने जो है धक्का लगाया तो सीन हो जाएगा। ठीक है ना, ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। अभी जो है वो ज़ॉम्बीज को निकालते हैं बाहर और सबको पीट डालते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने पावर भी लगा दिया है ज़्यादा, ताकि हम लोग जैसे ही ट्रेन को धक्का लगा, अबे भैया ट्रेन कहाँ गई, अबे भैया कहीं माइनकार्ट चली तो नहीं गई चिमकांडी, यार यहाँ पे कुछ सीन है और हम लोगों को इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है यहाँ पे ना हम लोग जो है इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए रास्ते को, और आ जाओ वापस से हम लोगों को घर जाना पड़ेगा, सीन हो गया यहाँ पे तो। माइनकार्ट, दोनों माइनकार्ट चली गई भैया। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग जो है वो आ चुके हैं घर पे, और ये देख रहे हो अपनी माइनकार्ट जो है वो इधर आ चुके हैं, पहले तो इसको रोक देते हैं, और दूसरी बारी ये देख रहे हो ये चिमकांडी चिकन लेकर आ गई, ये देखो, और इस वजह से मैंने जो है वो सारी चिकन को मार दिया, कहाँ चले गई वापस। ओके ठीक है, अब भैया ये देखो यहाँ पर ये वाली माइनकार्ट भी आ चुकी है और वो वाली भी आ गई, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे अभी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है, अब ये भूतिया ट्रेन बन चुकी है और अब ये यहीं के यहीं घूमती रहेगी ऐसे ही। तो ठीक है, अभी हमला जो है वो नेक्स्ट वार्क करते हैं। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो है वो यहाँ पे ना ये चिमकांडी जो है वो चिकन और ये जो है वो
चेस्ट घूम रही है तो उसे घूमने देते हैं और ये बेट किस खुशी में लग गया यहाँ पे। ठीक है जाओ। सो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी जो है वह हम लोगों को जाना है बराबर से एक खजाना ढूंढने के लिए। खजाना कौन सा होता है माइनक्राफ्ट के अंदर आप लोगों को बताइए, और अगर नहीं पता है तो वीडियो में आगे बढ़ते रहिए, आप लोगों को मैं जो है वह आगे बताऊंगा कि कौन सा खजाना है। पहले तो हम लोग जो है वह खाना जो है वो खा लेते हैं, और ये वाला खजाना मैं वहीं पर ही बताऊंगा जहां पे हम लोग जा रहे हैं खजाना लूटने के लिए। तो लेट्स गो फटाक से, यहाँ पे ढेर सारा खाना वैसे तो हमारे पास जमा है ही। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग जो है वो मैप देखते हुए खजाना आ चुका है, ये है ट्रेजर मैप का खजाना। तो फटाफट से इसको ढूंढते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। ओके गाइस, मैं कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा मतलब एक घंटा हो गया होगा और मैं ढूंढ रहा हूँ, फाइनली हम लोगों को मिल चुका है भैया। इतना ज़्यादा वेट करवाने के बाद फाइनली मुझे जो है वो खजाना मिल चुका है, और देखते हैं इसमें। अबे यार इतनी सी चीज़ की, अगर इतनी देर में जो है वो माइनिंग करता तो अब तक के 2-3 स्टैक जो है वो डायमंड जो है वो माइन कर लेता। बाकी आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है वो मेरी हेल्थ क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि मैं तो पानी में हूँ। दरअसल ना यहाँ पे ग्लिच हो चुका है, मतलब मैं जो है वो यहाँ पे पानी में ही था और मैं जो है वो गेम को पॉज करके चला गया, और पता नहीं यार मैं गेम को पूरा बेक करने के बाद वापस से जब आया तो मैं पानी में ही था और मेरी जो है वो श्वास नहीं फूल रही थी और कुछ भी नहीं हो रहा था मुझे लिटरली। भैया ये तो मतलब गजब ही हो गया, आ जाओ चलते हैं आइस बायोम में। ओके गाइस, तो हम लोगों को रास्ते में जो है वो विलेज मिल चुका है, और इस विलेज को हम लोग जो है वो पूरा लूटने वाले हैं। इसके अंदर आखिरकार क्या क्या है, हम लोगों को जो चीज़ चाहिए वो भी लेकर जाएंगे। तो आ जाओ फटाफट से लूटते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग जो है आइस बायोम में पहुंच चुके हैं, और ये वाली बायोम काफ़ी ज़्यादा दूर है अपने घर से। और दरअसल इस बायोम के अंदर आने का मकसद ये है कि इस बायोम के अंदर से हम लोगों को एक एनिमल को ले जाना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होने वाली है, क्योंकि उस एनिमल को ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये उस एनिमल को हम लोग इस एपिसोड के अंदर नहीं लेकर जाने वाले हैं, उस एनिमल को हम लोग जो है वो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर लेकर जाने वाले हैं। बाकी खजाना यही था ट्रेजर, जो कि उज्जवल भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खजाना था और हमारे लिए कुछ भी नहीं था। तो ठीक है, आज की ये वाली वीडियो का यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो लेकर जाने वाले हैं यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि आखिरकार वो चीज़ क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि उज्जवल भाई जो है वो घर पर ले जाने वाले और मैं भी ले जाने वाला हूँ यहाँ से। तो ऐसी कौन सी मतलब एनिमल है, कौन सा एनिमल है जो कि लेकर जाने वाले हैं हम लोग। तो आ जाओ चले गाइस, आज की ये वाली वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे पीढ़ी 12 तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दो। बाकी यहाँ पे मैंने बेड प्लेस कर दिया है, अगर बाई चांस मैं मर गया तो सीन हो जाएगा, इसलिए चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, गुड बाय।